नमस्कार, मैं हूं अंशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतदान सामग्री के साथ रवाना हुए मतदान कर्मियों के दल। मतदान दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश, जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाए मतदान। जिले में 9000 से ज्यादा कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। वीवीपैट के अलावा शक्ति बूथ और आदर्श मतदान केंद्र है खास। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2018, चुनावी शोर थमने के साथ ही वोटरों को रिझाने का समय भी लगभग खत्म हो गया। वोटिंग से पहले की रात चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए खास मानी जाती है, लेकिन जो भी हो, प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला जनता के हाथ में है। कौन करेगा राज, किसके सर होगा सत्ता का ताज, यह फैसला जनता के हाथ में है और यह फैसला होगा 7 दिसंबर को मतदान के जरिए। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। विधानसभा चुनाव 7 दिसंबर 2018 के लिए मतदान कर्मियों का दल आज रवाना हो गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन, एडीएम प्रभाती लाल जाट, सीओ नवनीत कुमार आदि ने सभी ने मतदान कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में 7 दिसंबर का दिन खास है, वो इसलिए कि हर प्रत्याशी का भविष्य इसी दिन हर मतदाता तय करेगा और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा मुस्तैद प्रशासन है। बता दें कि इसके लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पहले इनका प्रशिक्षण किया गया और उसके बाद सबसे पहले नोहर और भादरा की मतदान क्रमिकों की यूनिट को रवाना किया गया। बता दें कि सभी मतदान दल चेक पोस्टों से होकर गुजरे। वितरण स्थल है, यहाँ से सभी मतदान दल जो कि कल मतदान कराएंगे वो हमने रवाना कर रहे हैं। यहाँ से भादरा और नौर के सभी दलों का सामग्री वितरण हो चुका है। इस समय तक अभी लगभग 1 बज रहे हैं, वितरण होकर के वो लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं और शीघ्र ही अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। बाकी की जो 3 कंस्टिट्यूंसी हैं, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और सगरिया, उनका वितरण चल रहा है और वो भी शीघ्र ही आधा पौन घंटे में ये वितरण हो जाएगा। मतदान कर्मियों के दल रवाना होने से पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जहां सीओ नवनीत कुमार, एडीएम प्रभाती लाल जाट और जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी जैन ने सभी को आदर्श और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मतदान दलों की रवानगी से पहले पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मतदान क्रमिकों का तीसरा और आखिरी प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहाँ उन्हें जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए निर्देशित किया गया। आपके जितने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से आप गिनती कर लीजिए। मान लीजिए 11 हैं तो उस हिसाब से एक नोटा को जोड़ते हुए आपको 50 से ज़्यादा वोट डालने पड़ेंगे। एक चीज़ और मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि जब आप SMS भेजेंगे तो आपको SMS में अलग तरह से मतों की गणना लिखी जाएगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी में भिन्न तरीके से लिखी जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में यह होता है कि 8 से 11 तक कितना हुआ, फिर 11 से 1 तक कितना हुआ, अलग अलग दिखाना होता है। 8 से 11 तक अगर 300 वोट डालें तो 300 दिखाएंगे आप, 11 से 1 में फिर 200 वोट डालें तो 200 दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 300 और 200 500 करेंगे। SMS में भेजते समय आपको टोटल करके भेजना है, उस समय तक जितने वोट कास्ट हो गए वो वोट अंकित करने। टेंडर वोट की गिनती इस टोटल में नहीं होगी। टेंडर वोट के लिए आपको MP सिंह साहब ने बताया कि 17 कैमरे पृथक से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस मौके ADM प्रभाती लाल जाट ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मतदान कर्मी चेक पोस्टों से होकर गुजरें और जितना हो सके विवादों से दूर रहें, क्योंकि चुनाव के समय कई तरह के विवाद सामने आते हैं, तो इसके लिए पहले से ही सुनियोजित रहें ताकि कोई विवाद न हो। और आपके पास जो PRO हैंडबुक है उसको एक बार ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में अभी मैं देख रहा था उधर, पहले जो 2 पार्टियां शुरू हुई थी उनको डायरेक्शन दिए थे कि आपको EVM VVPAT को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जब वहाँ मॉक पोल करेंगे कल जब आपको इसको छेड़ना है। लेकिन कई महानुभाव यहाँ पे अभी खोल खोल के उनको देख EVM और VVPAT दिया है, तो उसके लिए आप तत्काल ऐसी परिस्थिति हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब से संपर्क करें। आपके पास उसको जैसे भी होना है, VVPAT चेंज होनी है या पूरा सेट चेंज होना है, वो अपने आप कर देंगे। इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तीसरी बात, आप जो यहाँ से अभी सामान लेके निकलोगे तो अपनी चेक पोस्ट जो निर्धारित है उसी चेक पोस्ट से निकलें, वहाँ आपके एंट्री होना जरूरी है। और जैसा कि अभी CEO साहब ने बताया था कि आपको मॉक पोल के बाद में SMS से सूचना देनी है और प्रत्येक 2 घंटे बाद में सूचना देनी है, वो नियमित रूप से SMS के थ्रू पहुँचती रहनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन ने सभी को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाने की अपील की। उन्होंने मतदान कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 7 दिसंबर
को सबसे पहले मॉक पोल करें और उसके बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू करें। इसके साथ साथ उन्होंने मतदान कार्मिकों से भी कहा कि वो अपने मत का भी इस्तेमाल करना ना भूलें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बार यथासंभव मतदान को शांतिपूर्वक करवाने का है। उन्होंने कहा कि हम हनुमानगढ़ जिले के इतिहास को बनाकर रखेंगे और जिले में निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। किसी की वीवीपैट मशीन काम नहीं करे या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो तो हम 10-15-20 मिनट लेट हो सकते हैं, पर उस प्रक्रिया को आपको प्रारंभ करना है, उसके पश्चात ही आप अपना नियमित मतदान प्रारंभ कराएंगे। मॉक पोल के पश्चात मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ईवीएम को ईवीएम में मतलब कंट्रोल यूनिट से आपको सारे बैलेट जो है जो उसमें कास्टेड वोट है वो आपको इरेज करने हैं। इसी के साथ वीवीपैट से जितनी भी स्लिप्स उसके अंदर आपके ड्रॉप बॉक्स में डली हुई है वो खाली करनी है, उन दोनों को सील करना है और फिर उसके पश्चात आपको मतदान प्रारंभ कराना है। पिछले जगह जहाँ भी चुनाव हुए हैं बाद काफ़ी लंबी लाइनें लग सकती हैं, जैसा कि अपने यहाँ का व्यवस्था अपने यहाँ का हिस्ट्री है अपने हनुमानगढ़ की, यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा पोलिंग परसेंट होता है, लगभग हमारे यहाँ 85% पिछले साल पिछले जो हमारे असेंबली चुनाव थे उसमें 86% हमारा एवरेज वोटिंग था और संगरिया का 90% प्लस वोटिंग था। यदि इसी तरह अपना पोलिंग परसेंट रहता है तो निश्चित रूप से 3 बजे के बाद आपके यहाँ लंबी लाइनें लग सकती हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है, लाइन को आप व्यवस्थित रखिए, पोलिंग प्रक्रिया प्रारंभ रखें और 5 बजे एक बार आवाज़ लगा दें, जो भी मतदान करने वाले लोग हैं कहीं आसपास बाहर हैं लाइन को देख के अंदर नहीं आए हैं तो वो कंपाउंड में आ जाएं, उनको आप स्लिप दे दीजिए और जो भी आपका आधा कौन घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसमें आप मतदान कराएंगे। मतदान कर्मियों को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने 9000 बैलेट जारी किए हैं ताकि कोई भी कर्मचारी अधिकारी छूटे ना और अपने मत का इस्तेमाल कर सके। एक वोट की कीमत कितनी है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर ड्यूटी है वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए। इसके लिए प्रशासन ने 9000 से अधिक पोस्टल बैलेट जारी किए हैं। तो हमारे एक्टिव मतदान दल हैं, मीनिंग देयर बाय इज दैट कि उनकी जो ड्यूटी है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होकर अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो उन लोगों ने जिन्होंने फॉर्म 12 में हमारे यहाँ आवेदन किया है उन सभी लोगों को हमने पोस्टल बैलेट जो है वो हमने जारी कर दिया है। ऐसे लगभग करीब हमने 9000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट हमने अब तक जारी कर चुके हैं और कुछ और हैं जो प्रक्रिया में हैं तो वो अब हमारे जारी हो जाएंगे। ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि जो एक्टिव हैं वो लोग ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर रहेंगे, बाकी जो रिटर्न अधिकारी के यहाँ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में लगे हुए हैं वो लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कार्य कर रहे हैं तो वो लोग अपना मत उसके अनुसार डालेंगे। इस प्रकार हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर एक व्यक्ति जो मतदान की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है उसका मत डालने का अवसर मिले और उसका मत किसी भी तरह से खराब नहीं हो। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी जैन ने कहा कि यहाँ पर कुल 169 संवेदनशील और 74 अति संवेदनशील बूथ हैं जिन पर एक एक माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। हमारे यहाँ कुल वल्नरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो है वो 169 है। 169 में से 74 मतदान केंद्र हमारे ऐसे हैं जो हमने हाइपर सेंसिटिव माने, वहाँ पर अन्य सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त वहाँ पर आधा सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का हथियारबंद पुलिस का रहेगा, वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जो 169 हमारे मतदान केंद्र हैं ये वो 100% या तो डायरेक्ट वेबकास्टिंग से जुड़े हुए हैं अथवा वहाँ पर वीडियोग्राफर हैं, किसी न किसी तरह की वहाँ पर वीडियोग्राफी हम हर सूरत में करा रहे हैं। इसके अलावा वह सभी मतदान केंद्रों पर एक एक माइक्रो ऑब्जर्वर हमने लगाया है जो वहाँ की सारी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करेगा और किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना होती है तो वो हमको सूचित करेगा। पिछले विधानसभा चुनावों से इस बार के चुनावों में मतदान में काफी कुछ नया है। इस बार वीवीपैट शक्तिबूथ और आदर्श मतदान केंद्र नए हैं। बता दें कि शहर में 2 शक्तिबूथ और 2 आदर्श मतदान केंद्र इस बार खास हैं। पहली बात तो वीवीपैट जो इस बार हमारे इस निर्वाचन के अंदर जो यूज लिया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, उसके अंदर जो पर्ची छप करके आती है तो उससे ये एक मतदाता जो है वो सुनिश्चित कर लेता है कि भाई मैंने जिसे अपना वोट डाला है उसी आदमी को जो है वोट अंकित हुआ है। तो इससे क्या है कि ये भ्रम की स्थिति नहीं रहती कि यार मशीन जो है वो ख़राब है
वो किसी दूसरे को जो है उसका कोई वोट जा सकता है या नहीं जा सकता है, या मशीन को हैक किया जा सकता है नहीं। जब हम सामने उस पर्ची को देख रहे हैं, छपी हुई पर्ची को देख रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमने जिसे मत डाला था मत उसी को गया है। पहला सबसे बड़ी चीज़ तो यही है जो परिवर्तन पिछले चुनाव में और इस चुनाव में है। दूसरा ये है कि इस बार जो प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शेड्यूल्ड लंबा रखा गया था, पूरे एक दिन के जो है ट्रेनिंग दी गई है। और तीसरा जो है वो ये है कि इस बार हनुमानगढ़ के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दो दो शक्ति मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं मतदान की वो तमाम प्रक्रियाएं जो है वो महिलाएं जो हैं वो संचालित करेंगी। बढ़िया ताजे मीठे पहने। और हर विधानसभा क्षेत्र पर दो दो आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, और उनकी जो साज सज्जा और उनके जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही माकूल बनाई गई हैं। वहीं विधानसभा चुनावों के तहत पोलिंग पार्टियों को जिला मुख्यालय से रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाने की ड्यूटी है जेडो की, यानी जेडो इस बात की खबर जिला निर्वाचन अधिकारी को देखा। जेडो द्वारा पोलिंग पार्टी के गंतव्य तक पहुंचाया जाता है, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से चेक पोस्ट लगाई गई है। हनुमानगढ़ संग्रिया के लिए टिब्बी रोड चुंगी पर चेक पोस्ट लगाई गई है। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। गिरदावर ओम प्रकाश ने बताया कि यहां से आने जाने वाले प्रत्येक मतदान दल की बस की एंट्री पहले चेक पोस्ट पर की जाएगी। इसके बाद जेडो आएगा जो पोलिंग पार्टियों के पीछे पीछे जाएगा, और यदि किसी मतदान दल के पहुंचने में देरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी जेडो की ही होगी। जेडो ही उस मतदान दल को गंतव्य तक पहुंचाएगा, और सभी मतदान दलों के गंतव्य तक पहुंचने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। इतना ही नहीं, वोटिंग के बाद मतदान के जिला मुख्यालय पर पहुंचने में भी जेडो उनके पीछे पीछे आएगा। जो जो वोटिंग पार्टी जाएगी, मतदान दल जाएंगे, उनकी एंट्री होगी। जैसे एंट्री करने के बाद जेडो आएगा बाद में, वो उनके पीछे पीछे आएगा। उसकी कितनी बसें निकल गई है, वो बस रह गई पीछे, उसको वो बाजार से पकड़ के लाएगा भी आप निकलो यहाँ से जल्दी, तो वो ठेठ पीछे पहुँचाने की जिम्मेदारी जेडो की है। वो इनके पीछे पीछे जाके सुनिश्चित करेगा अभी ठीक है मेरी गाड़ी पहुँच गई, वो क्लर्क साहब को फोन करेगा मेरी सब गाड़ियाँ आ गई है। तो कल इसी तरह शाम को पीछे पीछे आएगा, जेडो की ड्यूटी है ये। वो कल यहाँ शाम को हम एंट्री करेंगे जो बसें आएगी। कांग्रेस हो या भाजपा, जहां तक कि माकपा कार्यालय, सुबह से लेकर देर शाम तक गुलजार रहने वाले चुनाव कार्यालय से मानो रौनक खत्म हो गई। कार्यालयों के बाहर लगने वाली भीड़ अब नहीं है। कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर बैठे वोटिंग के दौरान अपनी ड्यूटी पर चर्चा करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस भाजपा और माकपा के चुनाव कार्यालयों के बाहर भीड़ खत्म हो गई है। चुनाव प्रचार थमने के बाद से ही ऐसा हाल है। प्रचार में लगे कार्यकर्ता अब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने पर चर्चा कर रहे हैं, यानी प्रचार थमने के साथ ही कार्यकर्ताओं की भीड़ भी नहीं रही। कार्यालयों के अंदर कार्यकर्ता बैठे जरूर हैं, लेकिन भीड़ जैसी कोई बात नहीं। कार्यालय के भीतर बैठे कार्यकर्ता नजर अब शुक्रवार को होने वाली वोटिंग पर है। इसके साथ ही जनसंपर्क के दौरान सामने आने वाले हालातों को साझा किया जा रहा है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, एबीएसटी, एमए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बार के मतदान में दो खास तरह के मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहला है शक्ति बूथ,
जहां बूथ का संचालन महिलाएं करेंगी और दूसरा आदर्श मतदान केंद्र जो अन्य मतदान केंद्रों से हटकर है। हमारे संवाददाता बलजीत सिंह ने लिया दोनों बूथों का जायजा। इस समय हम एनपीएस स्कूल में खड़े हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इस समय हम शक्ति बूथ पर खड़े हैं। शक्ति बूथ यानी पिंक बूथ। इस बार प्रशासन ने पिंक बूथ तैयार किए हैं। तो एनपीएस स्कूल में जो ये पिंक बूथ तैयार आप पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से तैयार किया, सजाया है, इसको गुब्बारों से सजाया गया है। बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये बूथ की तैयारियाँ चल रही हैं। इस बूथ की विशेषता यह है कि इसमें ज़्यादातर कर्मचारी महिलाएं लगाई गई हैं और खूब अच्छी तरीके से सजाया गया, तैयार किया गया है इस, और अभी और भी तैयारियां चल रही हैं। टेंट की व्यवस्था करी गई है, पूरा सजाया गया है इस पिंक बूथ को। हमारे साथ इस पिंक बूथ यानी शक्ति बूथ की पीआरओ है, इनसे पूछेंगे किस तरह की व्यवस्थाएँ करी हैं। हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम लेडीज़ को एक बूथ दिया गया हैंडल करने के लिए और हम व्यवस्था यही कर रहे हैं। हमें वैसे पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है और इसको इतना अच्छा डेकोरेट किया गया ताकि आगे भी इंस्पिरेशन मिले लेडीज़ को, वो इस वर्क को करें। और ये भी साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं हम लोग कि हम हर काम करने के लिए प्रॉपरली तैयार हैं और हैंडल कर सकते हैं हर सिचुएशन को। देयर इज़ नो नथिंग विच वी कैन नॉट डू। बल्कि बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, जो हमें प्रपत्र और सामान दिया गया उसे अच्छी तरह ऑर्डर में लगा रहे हैं ताकि कल हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हर सिचुएशन में हम प्रॉपरली तैयार हैं। एडवांस में हर तरीके से हम निर्देश वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उसको सामान को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने। शक्ति बूथ और नॉर्मल बूथ में क्या डिफरेंस है? शक्ति बूथ और नॉर्मल बूथ में ये डिफरेंस है, शक्ति एक नारी का प्रतीक है, यू नो शिवजी से जोड़ा जाता है शक्ति को। शिवजी भी पूर्ण नहीं है शक्ति के बिना। वैसे ये दर्शाने की कोशिश की है कि नारी जो है वो सभी कामों कर सकती है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और यू नो आजकल हर डिपार्टमेंट में लेडीज़ ज़्यादा हो चुकी हैं, तो ये एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये आगे भविष्य में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा और काफ़ी अच्छा साबित होगा। विधानसभा चुनावों के तहत जिले भर में ड्राई डे चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार शाम 5 बजे तक शराब की सभी दुकानों सहित गोदाम और बार बंद रहेंगे। जिला आबकारी अधिकारी सहदेव रत्नो खुद गश्त कर दुकानों को सील करने संबंधी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम कानून का उल्लंघन करने वाले संचालकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2018 जिले भर में ड्राई डे, इसके तहत देशी और अंग्रेजी सभी तरह की शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है। वोटिंग के बाद शाम 5 बजे के बाद ही दुकानों को खोला जा सकेगा। जिला आबकारी अधिकारी सहदेव रत्नू ने बताया कि जिले की 361 दुकानों, 3 बार और गोदाम सील किए गए हैं। किसी तरह के उल्लंघन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी गश्त कर रहे हैं। घोषित है जिले की सारी 361 मजरा दुकानें, 3 बार और 4 गोदाम सभी को सील किया हमने और निरंतर गश्त रख रहे हैं। मैं खुद जो है कि गश्त पे जाके सभी को सील को ताड़ों को चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई टूट फूट कोई बदमाशी नहीं है। और अगर कोई दुकानदार लाइसेंसी ठेकेदार अगर कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा तो दुकान को कैंसिल भी कर दिया जाएगा। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे भादरा थाना के कांस्टेबल रोहताश कुमार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दरअसल रोहताश पोलिंग पार्टी के इंतजार में पुलिस लाइन के समक्ष खड़ा था, तभी रोडावाली की तरफ से आई कार की टक्कर से बुरी तरह से घायल हो गए। भादरा थाने के कांस्टेबल रोहताश कुमार पोलिंग पार्टी के इंतजार में जब पुलिस लाइन के सामने खड़ा था, तभी रोड़ावाली की तरफ से आ रहे कार चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रोड़ावाली की तरफ से आ रहे कार चालक साबर खान ने रोड साइड में जाकर टक्कर मारी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल रोहताश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, वहीं कार चालक पुलिस की हिरासत में है। भादरा पोस्टिंग है उस थाने, उसकी चुनाव ड्यूटी लगी हुई थी, तो फौरी पार्टी के लेने के लिए बस के इंजान में पुलिस लाइन के सामने खड़ा था, तो इतने में रोडावाली की तरफ से सावर खान नाम का लड़का वो अपनी कार लेके आया और रॉन्ग साइड में जाकर के टक्कर मारी, उसके चोटें लगी है और अभी उसको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सिटी स्कैन करवाया उसको, अभी तो देखने से तो नहीं लग रहा है लेकिन सिटी स्कैन से पता लगेगा कि चोटें कितनी है।
स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के मकसद से एडीएम प्रभाती लाल जाट ने भी मतदाता जागरूकता के एक गाने में अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, वोटों को भी घर घर तक पहुंचाने में डीसी जैन के साथ उनके अहम भूमिका है। एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए कई क्रिएटिविटी कार्यक्रम किए हैं। जयपुर में उनके गाने और वोटों के लिए उन्हें खूब सराहना भी मिली है। उसके तहत पेंटिंग का प्रतियोगिताओं का आयोजन रखा गया था स्टेचू सर्कल के ऊपर, और एक रामनिवास गार्डन के अंदर सांस्कृतिक संध्या रखी गई थी। उसके अंदर हनुमानगढ़ से कलेक्टर महोदय ने एक टीम भेजी थी, उसमें मैं खुद भी शामिल था। तो पेंटिंग के अंदर हमारे महेंद्र जी शर्मा और जो अपने वो मस्तान सिंह जी, उन दोनों ने अपने इसके ऊपर वोटू के ऊपर पेंटिंग बनाई थी। वो दोनों पेंटिंग को वहाँ पर हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय भी आए थे और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी आए थे। उन्होंने आकर के उनको सराहा और काफ़ी प्रशंसा की कि वास्तव में हनुमानगढ़ स्वीप गतिविधि के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपकी वजह से अन्य जिले भी सक्रिय हुए और चुनाव के अंदर ऐसा लगता है कि अब की बार बहुत अच्छा मतदान होगा। तो उसके बाद में शाम को जब रामनिवास गार्डन में प्रतियोगिताएँ हुई तो उसमें मैं खुद और अपने परमेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, इसके अलावा मस्तान जी हैं, ओला जी हैं, ये सब उस कार्यक्रम में शामिल थे। डाबला जी और उनकी बच्ची थी वो भी थी। और तीन जो गाने हमने यहाँ पे स्वीप के तहत तैयार किए थे उन तीनों गानों का वहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया, जिसका हमारे सीओ साहब, एडिशनल सीओ साहब वगैरह ने काफ़ी प्रशंसा की और ये भी बताया कि ये कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, इन्होंने मिल करके स्वीप के तहत ये गतिविधि की, वास्तव में बहुत सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रशंसा भी की और हमारे कार्यक्रम को काफ़ी सराहा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कोटा की ओर से Z3 यूरिया का पहला रैक हनुमानगढ़ पहुंचा। Z3 यूरिया का यह रैक पूरे राजस्थान का पहला रैक है जो हनुमानगढ़ पहुंचा। हनुमानगढ़ रेल हेड पर रैक का स्वागत किया गया, जहां व्यापारियों सहित मजदूरों ने पूजा अर्चना की। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की ओर से G3 यूरिया का उत्पादन शुरू किया गया है। G3 का पहला रैक आज हनुमानगढ़ पहुंचा। जंक्शन रेल हेड पर रैक पहुंचा तो व्यापारियों सहित मजदूरों ने पूजा अर्चना के साथ इसका स्वागत किया। आपको बता दें कि यूरिया की किल्लत को प्रदेश में दूर करने के लिए चंबल फर्टिलाइजर्स ने नया प्लांट लगाया है, जिसके तहत 35 लाख टन यूरिया का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा G3 यूरिया की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर रहेगी। राजस्थान का पहला रैक हनुमानगढ़ पहुंचने पर व्यापारियों में खुशी है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कोटा में जो यूरिया का बहुत बड़ा पहले प्लांट है, दो प्लांट पहले चल रहे हैं, उनका आज G3 के नाम से एक नया प्लांट यूरिया का लगा है जो कि 35 लाख टन यूरिया प्रतिवर्ष बनाएगा। उसका पहला रैक जो कि हनुमानगढ़ रेल हेड पर आज लगा है, राजस्थान का भी ये पहला रैक है, उस तीसरे प्लांट का भी पहला रैक है, क्योंकि 35 लाख टन यूरिया हर वर्ष और बनेगी, दो प्लांट उनके पहले ही चल रहे हैं, तो इससे जो यूरिया की कभी कभार बीच में कमी आ जाती थी, अब राजस्थान के अंदर इसकी कभी कोई कमी नहीं आएगी। उसका बड़े सीजन पे किसानों को ज़रूरत है, इस समय ये रैक लगना और भी बढ़िया हो गया है, जिसका कि सभी व्यापारियों ने, किसानों ने, अधिकारियों ने रेल हेड पर आकर माल गोदाम पर इसका स्वागत किया है और भविष्य में
जो होने वाली कमी है उससे निजात मिलेगी, समय पर यूरिया मिलेगी, क्योंकि ये प्लांट राजस्थान में है, इसमें राजस्थान की प्रायोरिटी हमेशा बनी रहेगी। उत्तम यूरिया अपने आपने क्वालिटी में पहले ही मान्य है, जिम्मेदार इसको सबसे पहले पसंद करता है, इसकी उपलब्धता जब तक रहेगी तो किसान बड़े खुश होकर इसको लेता है और लगातार इसकी सप्लाई रहेगी। हनुमानगढ़ रेल एड के लिए पहले भी कंपनी पर महीने में एक या दो रैक लगाती है, जिससे इसकी पूर्ति और बढ़ जाएगी, जिससे आने वाले समय को किसानों को, यहाँ जो रेल एड पर लेबर काम कर रही है, लेबर को, जो व्यापारी खाद बेचते हैं, उनको सभी को इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और बहुत ही एक गौरव की बात है भी राजस्थान के अंदर एक प्लांट और लगा है जिसे दिन रात यूरिया बनानी है। बताया गया कि ये यूरिया की लागत का पीक टाइम है और इस समय यूरिया की सबसे ज्यादा लागत होती है। G3 यूरिया का रैक आने से व्यापारियों में खुशी है। उनका कहना है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा और किसानों को फसल के अनुसार यूरिया की डिमांड इस समय ज्यादा रहती है। वहीं G3 प्लांट शुरू होने से अब प्रदेश में आने वाली यूरिया की कमी से भी निजात मिलेगी। देखिए, के बिरला ग्रुप की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसका G3 यानी तीसरा प्लांट गड़ेपान कोटा में शुरू हो गया है 30 नवंबर को, और ये राजस्थान की पहली रेक है यहाँ पे हनुमानगढ़ में। और हम पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के डीलर्स, रिटेलर्स और फार्मर्स की तरफ से हमारी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हृदय से कि हमें इस टाइम में जो एकदम पीक सीजन चल रहा है उस टाइम रेक दिया, वो भी G3 का रेक दिया, नए प्लांट का रेक दिया, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। अभी हमारा कुल प्रोडक्शन है वो 35 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा प्रतिवर्ष चंबल फर्टिलाइज़र का, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगभग अगर बात करें तो 3 रेक पर डे की हमारा प्रोडक्शन होगा, 3 रेक प्लांट से वो डेली बेसिस पे निकलती रहेंगी, उसमें बाय रोड भी इंक्लूड है। और ये एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। विधानसभा चुनाव 2018 प्रचार बंद और डोर टू डोर संपर्क जारी है। कांग्रेस के समर्थन में कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।